हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरुनानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज सिग्नेचर ग्लोबल लाइव साइट पे हम प्रेजेंट हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं उस एरिया का नाम है साउथ ऑफ गुड़गांव। ये टोल देख लीजिए, यहाँ पे टोल नजर आ रहा है। बिल्कुल टोल गुड़गांव से आगे जाके NH8 से बेटे इधर से दिखा दो, बिल्कुल क्लोजअप लेके टोल को इसको बड़ा करके दिखा दो। ये जो वही टोल है आपको विजिबल हो रहा है, जब NH8 से आते हैं तो आखिरी जो टोल आता है वही है, उसके जस्ट बिल्कुल सामने प्लॉटिंग है। साउथ ऑफ गुड़गांव बोलते हैं इसको सिग्नेचर ग्लोबल, क्योंकि अब दोबारा से लग्जरी इन्होंने बना दिया, बेच दिया, 50% सोल्ड, मतलब जो इनका DXP था सोल्ड हो गया। उसके बाद इनके थोड़े यूनिट्स बची हैं अभी स्टिल, बट अब इनको ये समझ आ चुकी है कि अगर गुड़गांव की मार्केट में रहना है तो हाई राइज की साथ साथ उनको लो राइज में आना पड़ेगा। और साथ साथ एक बहुत खुशी की बात थी कि दीनदयाल की स्कीम अलाउड हो चुकी है स्टिल प्लस 4 के लिए, तो वो एक फ़ायदा सिग्नेचर ग्लोबल को मिला और दोबारा प्लान है अब कि स्टिल प्लस 4 लाने का। और क्योंकि अफोर्डेबल चीज़ जब तक गुड़गांव में नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं अगर हम टोटल पॉपुलेशन 100% की देखें तो सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं, 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास फंडिंग नॉर्मल होती है 1-1.5 करोड़ तक, और सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लेने वाले, वैसे तो छोड़ दो पॉपुलेशन को, तो अगर हम देखें तो टोटल 1% ही आउट ऑफ 100 में से 2% ऐसी पॉपुलेशन होती है जिनके पास पैसा होता है इंडिया में, और उन 2% का अगर हम 100% काउंट करें तो उसमें से 30% ही ऐसे लोग हैं जो कि 5 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बाकी 70% लोग लो रेंज ही लेते हैं। ये बिल्डर्स को अब समझ आ चुकी है, इसीलिए वो स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट दोबारा लाने को मजबूर हो गए। सिग्नेचर ग्लोबल ब्रांड है, नो डाउट ब्रांड है, काम भी अच्छा करता है, रेरा भी कोई कहता है जो काम करता है वो बढ़िया करता है, इसलिए हम आज दोबारा से उनकी साइट पे, जब मुझे पता लगा कि दोबारा से S+4, कई लोगों का सपना होता है 1.5 करोड़ में, चलो 1.5 से 1.80 में मुझे घर मिल जाए, वो सपना दोबारा पूरा होने जा रहा है। ऐसे ब्रांड बहुत बुरा नहीं है, बेस्ट कह सकते हैं आज गुड़गांव में, जितना अफोर्डेबल इन्होंने बनाया शायद ही और कोई बिल्डर बना पाया। अगर हम बात करें DLF, गोदरेज, लोधा ग्रुप, तो इनका नंबर भी अब 6th to 7th प्लेस पे आ चुका है रियल एस्टेट में। और अगर ये लाने के वाले है वो भी सुन लो, ये टोटल इनके पास लैंड पार्सल 130 एकड़ है, नाम है एरिया का साउथ ऑफ गुड़गांव, दीनदयाल के फ्लोर्स लेके आ रहे हैं स्टिल प्लस 4, नीचे पार्किंग भी दी जाएगी, 4th जिसका फ्लोर होगा उसको टॉप के राइट्स भी दे जाएंगे, 3BHK प्लस स्टडी लेके आने जा रहे हैं ये, 3BHK प्लस स्टडी एरिया है 1530 स्क्वायर फीट का, और रेट है एवरीथिंग इज टेंटेटिव। अगर आप कल मुझे चैलेंज नहीं करोगे, अगर 1530 की जगह ये 1600 ले आया, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल पे तो इनकी टेंटेटिव किसी भी चीज पे आज के बाद ट्रस्ट मत करो, जो फाइनल रेरा के बाद आएगा वही सच होगा। टेंटेटिव हम इसलिए बता देते हैं आपको नॉलेज मिल जाए, कहीं लेट हो जाओ तो ये दे ही ना आपको, उससे अच्छा हम कुछ टेंटेटिव बता रहे हैं, कुछ भी फाइनल नहीं है, हल्का फुल्का चेंज ज्यादा भी हो सकता है। 12,000 स्क्वायर फीट का ये रेट निकाल रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, 3,000 फ्लोर टोटल 130 एकड़ टाउनशिप में, 130 एकड़ टाउनशिप बहुत बड़ी टाउनशिप है, और धारूवेड़ा में भी ये जो प्लॉटिंग निकालेंगे उसको अभी थोड़ा टाइम है, तो शांति से जिन्होंने चेक दिया अभी बैठ जाओ, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के बीच में प्लॉटिंग निकालेंगे। 600 यूनिट्स, क्योंकि इनको पता है ये सबसे पहले इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये समझ आ चुकी है कि स्टिल प्लस 4 जल्दी बिकता है, और ये सच भी है। 600 यूनिट्स फेस 1 में निकालने जा रहे हैं, पोजीशन 2027 में देंगे, और ये तो पक्का है कि जो सिग्नेचर बोलता है रेरा के बाद वो तो फैक्ट सही है। 5 लाख का EOI ये ले रहे हैं अभी, अगर आपको बैंकेबल EMI है, सॉरी इसका जो EOI देना है 5 लाख रुपीज का EOI अभी हम ले रहे हैं, और रेरा इसका मिड ऑफ अगस्त में आ जाएगा। ये इस बात के लिए फेमस जरूर है कि जो बोलता है रेरा के लिए, रेरा इनके टाइम पे आता है। अब अगर मेरा ओपन नंबर फ्लैश है, हाई राइज वाले कस्टमर्स तो कम है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बट लो राइज वाली डेंसिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, अगर एक अच्छा डिस्काउंट के साथ साथ अगर कोई डील चाहिए तो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश होता है, आप कॉल करके वो डील मुझसे ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।